तो दोस्तों दो अपडेट हैं। पहली अपडेट ये है कि कुरुक्षेत्र मंथ का अलाउंस जो है वो आ चुका है 2 महीने का। पहला जो मेल आई थी वो आई थी ललिता जी की, सेकंड आई थी मोहित की, तीसरी आई थी सोनिया जी की। कुरुक्षेत्र वालों का 2 मंथ का अलाउंस आपके अकाउंट में आ चुका है, अपना अपना चेक कर लेना। 1500 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1500 वाले बंदे अपना अपना अलाउंस चेक कर लेना। दूसरी अपडेट ये है कि जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा है, कौन सा वाला, HKRN का, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का, वो बंदे अपना फॉर्म भर लें। आगे जो अपडेट आएगी, अभी अपडेट करवा रहे हैं, अभी अपडेट इसीलिए करवा रहे हैं कि आगे हो सकता है कि ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं, किसी को भी अपने फ़ोन करके बुलाएंगे, कैसे क्या बुलाएंगे, आपको हर एक डिटेल में देता जाऊँगा जैसे जैसे होता जाएगा। अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं हमें, लेकिन धीरे धीरे जितना एक्सपीरियंस आएगा आप लोगों को मैं शेयर करता रहूँगा। अब इस फील्ड में घुस गए हैं तो आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी जितनी मिलेगी। सबसे पहले ये पता चला कि 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला आता है जो 5वीं पास वालों का, ठीक है, उसमें 10वीं पास वाले मांग लेते हैं, कोई 5वीं पास वाला भी है, जैसे माली हो गया, चौकीदार हो गया, या कुक हो गया, या फिर धोबी हो गया, ऐसे बंदों की मेल है, मेल 16 की प्रेफरेंस है, ठीक है। सेकंड में आते हैं जो ग्रेजुएट कर रखे, जिन्होंने क्लर्क हो गए, वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, ऐसे टाइप के। और तीसरे में हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है, TGT PGT टाइप, मास्टर टाइप, ठीक है, उनकी डायरेक्ट मास्टरों की पोस्ट लगभग लगभग सारी सारी, लेकिन उनमें एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो जिसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है और आपके पास वो एक्सपीरियंस है, सबसे पहले आप पोस्ट वो भरो बढ़ते ही जो मिलती है, ठीक है। किसी में सैलरी अभी बता रहे हैं कि 18,000 है, किसी में 20 भी है, 22 भी है, 25 भी हो, 27, 28, 30 भी है, ठीक है। अलग अलग हिसाब से लेवल से ये सैलरी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे आप लोगों को हर एक चीज़ बता दूंगा, अभी हमने एंट्री मारी ही है, अभी मैं प्रिंट आउट लेके नहीं आया हूँ। प्रिंट आउट मिलता 1 दिन लेट है। 236 रुपये कुछ फीस कटती है और 7 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करता है नेट बैंकिंग का, 243 रुपये होगी, ठीक है। और सिर्फ आप पेमेंट सिर्फ नेट बैंकिंग से ही कर सकते हो, ठीक है। अभी सक्षम योजना में मैसेज काम के बहुत ही कम कर दिए, नेग्लिजिबल कर दिए, न के बराबर, ठीक है। तो अब आप लोगों को अपना सक्षम से तो नाम चलते रहना है। अभी आप साथ साथ HKRN का, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का फॉर्म भी भर लो, ठीक है। उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, जो भी बेनिफिट मिलेगा आपको बता दिया जाएगा। उसमें रजिस्ट्रेशन करने से कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, कोई भी बंदा फॉर्म, लड़का लड़की कोई भी फॉर्म भर सकता है, सक्षम योजना से नाम नहीं कटेगा। अगर आपको HKRN में जॉब मिल जाती है वो तब की तब देखेंगे, ठीक है। HKRN में जो अगर जॉब मिल गई तो आपको फिर वो इतनी जल्दी नहीं हटाते। देखो हटाने का तो कुछ नहीं पता होता कि ये पक्की नौकरी है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मिल जाती है तो आपको जल्दी से नहीं हटाया जाता, जल्दी से मिलती भी नहीं और जल्दी से हटाया भी नहीं जाता, लेकिन मिलने के चांस में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कच्चे कर्मचारी अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू ही लग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अपना HKRN में हर बंदा बंदी रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद आप लोगों के पास कॉल आएगी, कैसे क्या बुलाया जाएगा, हर एक चीज़ बता दी जाएगी। लेकिन अभी जो पक्के लग रहे थे वो लग चुके हैं, कच्चे सारे सारे HKRN के थ्रू ही लगेंगे। चाहे किसी डिपार्टमेंट में एक पोस्ट मिले, चाहे 4 पोस्ट मिले, वो HKRN के थ्रू ही भर्ती करते हैं। वो भर्ती कैसे करते हैं, अफसर प्रेफरेंस सेंड करते हैं, डिमांड सेंड करते हैं, वो आप लोगों को आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। अपना भाई भी 4-5 मतलब यार दोस्त हैं अपने, वो अफसर टाइप हैं, अफसर ही हैं, अफसर टाइप के अफसर ही हैं, उनसे मैं कॉन्टैक्ट करके कि तुम लोग कैसे बुलाते हो HKRN वालों को, तो वो आप हर एक चीज़ आप लोगों को प्रोसेस में बताऊंगा, ठीक है। फिर अपनी जान पहचान अगर निगाह कुल के जो भी बनेगा अपने अपने हिसाब से सेटलमेंट हो जाना, या आगे करवाएंगे आप लोगों को, पर थोड़ा वेट रखना है, ठीक है। कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा पूरा प्रोसेस बता दूंगा। सक्षम योजना में भी रहना है, भत्ता टाइम टू टाइम लेते रहना है, रिन्यू करते रहना है, और आज आपकी सैलरी आ गई कुरुक्षेत्र वालों की, बाकी ने अभी तक चेक नहीं की है, किसी मेल नहीं की है, हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट की और भी आ गई हो। ये बाकी सारे जो प्रूफ है ये मैं कल वीडियो में आकर के दिखा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। ओके दोस्तों, गुड नाइट। और 2-4 दिनों से सक्षम साइट में जो अपडेट आ रहा था, पहले तो सक्षम साइट में अपडेट जब आप फैमिली आईडी ओपन करते थे वहाँ पे क्लिक करते ही साइट बैक मार रही थी, अभी भी बैक मार रही है, एक अपडेट और भी आएगा, पहले बता रहा हूँ। क्योंकि सक्षम साइट पे कुछ कॉलम है, उन पे आप जब क्लिक करते हैं, फैमिली आईडी पे क्लिक कर लेना आप, अगर तीनों कॉलम निकल जाएंगे उसके बाद फिर से क्लिक करना आप, आपकी आईडी बैक मार जाएगी, आपकी वो कॉलम है वो खुल नहीं रहे, इसीलिए एक अपडेट आना बाकी और है, लेकिन देखते हैं वो आएगा कितनी जल्दी। तब तक के लिए गुड नाइट।